Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work and you are safe at your home. Student, now today let me start our next exercise 1.5. In this exercise, we study about use of brackets. यहाँ पे हम brackets का use करना सीखेंगे. There is need use brackets such as हमें ज़्यादातर ये जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है इसकी ज़रूरत होती है. यूजिंग ब्रैकेट वी राइट अबोव एक्सप्रेशन करेक्टली. इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे. तो पहले हमें कोई भी वैल्यू दी गई होती है, यहाँ चाहे मल्टी में है चाहे डिवाइड में है, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है. जैसे हमने एक रूल पढ़ा था बोर्ड मास, बोर्ड मास में क्या था कि हमारी ब्रैकेट, ब्रैकेट हमारी कितनी तरह की होती हैं, ब्रैकेट चार तरह की होती हैं. लेकिन ये लगा लो आपका सिक्स सेवन्थ क्लास तक हम तीन तरह की ब्रैकेट पढ़ते हैं, लार्जर, मिड एंड स्मॉलर. ये ब्रैकेट होती हैं. ओ मीन्स ऑफ मल्टीप्लाई, डी मीन्स डिवाइड. ये ऑफ ऑफ ही होएगा, ठीक है. देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. नाउ लेट वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. इन द फर्स्ट सम राइट एन एक्सप्रेशन यूजिंग ब्रैकेट. हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम इसको रीड करते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है. डिवाइड, डिवाइड करना है द डिफरेंस ऑफ 11 एंड 4. डिफरेंस किसका है हमारा, 11 एंड 4 इनका डिफरेंस है, उसको डिवाइड करना है बाय 5. बाय, जहाँ बाय आ गया हियर वी राइट डिवाइड सिंबल और देन 5. That will be your question number first, part 1. Now student, next divide the sum of 17 and 22. इन्होंने क्या कहा है, the sum of 17 and 22 by, क्या करना है, by divide, किसके साथ, 2 के साथ. This will be, next is 48 डिवाइड बाय, 48 को डिवाइड करना है तो पहले क्या आएगा इसका, क्या दिया है 48, तो पहले आएगा 48, उसको डिवाइड करना है बाय द डिफरेंस ऑफ, किसके डिफरेंस के साथ, 23 एंड 7. तो ये है आपका सी पार्ट का आंसर. डी में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है किसका, द सम ऑफ किसका, 6 एंड 28 इन दोनों का सम बाय, बाय क्या करना था, मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 के साथ. नेक्स्ट डिवाइड, डिवाइड करना है द डिफरेंस ऑफ, क्या किस किस का डिफरेंस, 19 एंड 4 इनका जो डिफरेंस है, बाय 3, डिवाइड करना है 3 के साथ. ये पार्ट आपका ई है. आवर नेक्स्ट सम इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमें सिंप्लीफाई करना है इन एक्सप्रेशन को, वैल्यू क्या क्या दे रखी है, मतलब हमें इनको सॉल्व करना है. वैल्यू दी गई है हमें 3 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 11. पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को. सो 3 एंड 2 5, और यहाँ कोई सिंबल नहीं होता है ब्रैकेट और किसी नंबर के बिटवीन, दैट मीन्स हेयर डिवाइड. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ माइनस है एंड 11 है, तो 3 5 जा हम यहाँ क्या लिख देंगे, 15. पहले मल्टीप्लाई सोल्व होएगी ना कि पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 5 जा 15 एंड देन माइनस 11, और 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 विल बी अवर आंसर. नेक्स्ट सम इज 4 प्लस में क्या दे रखा है, 4 प्लस 2 ब्रैकेट 3 प्लस में 5, ये वैल्यू दे रखी है. तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था अभी भी कि कोई नंबर दे रखा हो और साथ में ब्रैकेट दे रखी हो, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल आएगा. तो 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 एंड 5 कितना होता है 8, एंड 8 टू जा 16, 16 में हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, टोटल विल बी 20. नेक्स्ट सम इज 15 मल्टीप्लाई माइनस 204. हम 15 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 204 के साथ. तो
तो इस सम को देखो भाई, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज हम सिंपलीफाई करेंगे तो जो हमें इजी लगेगा उस अकॉर्डिंग कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई, क्या हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 200 प्लस में 4, हमने इसको क्या किया तोड़ लिया है, तो 15 की मल्टीप्लाई 200 के साथ, 15 की मल्टीप्लाई पहले हम 200 के साथ कर देंगे, प्लस सिंबल है प्लस, फिर अगेन 15 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, इजी रहेगा। 15 टू जा 30 एंड देन 20 एंड 15 फोर जा 60, ये हम इजीली ऐड कर सकेंगे, फिर 3060 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट सम इज 106 एंड 109, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम इसी सम की तरह करेंगे स्टूडेंट। हमें लिख देना है 106 मल्टीप्लाई 109 एंड 109 के हम फैक्टर कर लेंगे। 106 मल्टीप्लाई, यहाँ हम लिख देते हैं 100 प्लस में 9, ताकि हम मल्टीप्लाई करें तब हमारे लिए इजी रहे। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 106 की मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देंगे, देन प्लस 106 की मल्टीप्लाई हम 9 के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10600, देन प्लस 69 जा 54954, इनको ऐड कर देंगे 4569151, दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट सम देखो स्टूडेंट, थर्ड सम में क्या दिया गया है, थर्ड में दिया है स्नेहा प्लेज फॉर 2 आवर एंड ये क्या करती है, खेलती है वो 2 घंटे, वॉच टीवी 1 आवर डेली, तो हाउ मच टाइम डज सी स्पेंड ऑन दीज एक्टिविटी इन अ वीक, इन वीक में उन्हें उसने टोटल कितनी एक्टिविटी मतलब कितना क्या लगाया है टाइम स्पेंड किया है एक्टिविटीज पे। यस, स्नेहा प्लेज 1 डे, स्नेहा एक दिन में कितने घंटे खेलती है, 2 आवर्स, स्नेहा प्लेज वॉच टीवी 1 डे, 1 आवर, स्नेहा स्पेंड टोटल टाइम इन 7 डेज, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 2 घंटे उसने टीवी देखा और 2 घंटे उसने टीवी देखा और 1 घंटा उसने 2 घंटे वो खेली और 1 घंटा टीवी देखा है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 और 1 कितना हो गया 3 एंड 7 3 जा 21, टोटल 1 वीक में वो 20 आवर उसने अपनी एक्टिविटीज़ पे टाइम स्पेंड किया है। इन द फोर्थ सम थिंक एंड राइट द सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें जैसे हमारा फर्स्ट सम किया था, ये हमें ये एक्सप्रेशन दे रखे थे, इनसे हमें क्या करना था, ये बनाना था, अब हमें इस तरह की वैल्यू दे दी, इससे हमें इस तरह के एक्सप्रेशन राइट करने हैं। देखो, थिंक एंड राइट द सिचुएशन, सिचुएशन राइट करनी है, एक्सप्रेशन हमें दे रखे हैं, क्या दिया है 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 12, तो हम इसको क्या लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ 7 एंड 12। नेक्स्ट क्या दिया गया है 12 मल्टीप्लाई 60 माइनस 20, तो हम यहाँ कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस, क्या है 60 एंड 20। नाउ स्टूडेंट, टुडे वी हैव कंप्लीट सॉल्व आवर एक्सरसाइज 1.5। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, सो यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।